हेलो बच्चों, आज हम कक्षा आठवीं का विषय सामाजिक विज्ञान पार्ट तीन ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष इसके बारे में जानेंगे। तो बच्चों, आज हम ब्रिटिश के शासन के विरुद्ध संघर्ष के बारे में जानते हैं। अंग्रेज, आप पहले अपनी किताब खोल लीजिएगा और किताब खोलकर बैठ जाना, जिससे पाठ को आप पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इस पाठ में किस चीज के बारे में बताया गया है। नहीं आया समझ में तो आप दो या तीन बार पढ़ लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको और कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। तो अपन आज पढ़ेंगे अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध सबसे बड़ा संघर्ष 1857 में हुआ था। इसका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम से जाना जाता है। सन 1806 में बेंगलोर का विद्रोह हुआ और सन 1824 में बैरकपुर का विद्रोह हुआ। शोलापुर का विद्रोह सन 1838 में हुआ। इसमें एक प्रश्न बन सकता है कि शोलापुर का विद्रोह कब हुआ, तो आप इसका उत्तर लिख लेना 1838 में, याद रखिएगा। सन 1770 ईस्वी में बंगाल में पड़ने अकाल और जनता के दुर्दशा के कारण वहां का सन्यास सियोने कंपनियों के विरुद्ध क्या करा था, विद्रोह करा था, जिससे सन्यासी क्या हुए, विद्रोही के नाम से जाने लगे। सन 1854 में झांसी के ब्रिटिश साम्राज्य को मिला लिया था। किसने, ब्रिटिश साम्राज्य ने झांसी को मिला लिया था। जून 1858 ईस्वी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ में क्या हुआ, वीरगति प्राप्त हो गई थी। 1858 ईस्वी में झांसी की रानी ने, लक्ष्मीबाई झांसी की रानी, ये क्या हुई, वीरगति को प्राप्त हुई। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, आप इसको याद कर लीजिएगा, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। बाबू कुर सिंह की मृत्यु अप्रैल 1858 में हुई। तो बच्चों, इसमें मैंने आपको कुछ बातें बताई है, इसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसमें और बनता है, मेरठ के सैनिक विद्रोह 10 मई 1857 में हुआ था। अंग्रेजों के अत्याचार ने 1857 में क्रांति को क्या हुआ, जन्म दिया था, जिससे क्रांति हुई थी अंग्रेजों के कारण। और कुंवर सिंह, तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई 1857 में क्रांति में महानायक थे। इसमें क्या हुआ था, क्रांति में महानायक थे, कौन थे, लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। तो बच्चों, आप इसके बारे में जान लीजिएगा, अपनी किताब खोलकर बैठना, किताब खोलोगे, किताब पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि आपको इसके बारे में हमने कुछ चीजें, आपको कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु बताए हैं, और इसको आप अच्छी तरह से पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। और जो जो मैंने इम्पोर्टेंट बताए हैं वो सब आपको पूरे पाठ में मिल जाएंगे। तो बच्चों, आज अपन ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष के बारे में कुछ जानकारी दी है आपको, तो आप इसको सुन लीजिएगा और अपनी किताब में देख लीजिएगा, और इसके प्रश्न उत्तर हम अगले वीडियो में आपको भेज देंगे। इसलिए बाय बच्चों।